डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरण एक चर्चा में आ रही है। मुजफ्फरनगर के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या व उसके पति सचिन प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मेरठ के नौचंदी थाने में तहरीर दी गई है। यह तहरीर शास्त्रीनगर निवासी भाजपा नेत्री बबीता गुप्ता ने दी है। बबीता गुप्ता का आरोप है कि उन्होंने अपना फर्निश्ड मकान प्रॉपर्टी डीलर हर्षित के माध्यम से दिव्या काकरण व उनके पति सचिन को 15,000 रुपये मासिक किराए पर दिया था। दोनों बिना बताए वहां से सामान आदि ले गए और किराए का भुगतान भी नहीं किया। बता दें कि दिव्या काकरण फ्री स्टाइल कुश्ती खिलाड़ी है। वह एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 के 68 किलो भार में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला है। उन्होंने 2017 राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता है। 2018 में इस पहलवान ने एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक हासिल किया है। उन्हें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 2020 में देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। काकरण भारतीय रेलवे में सीनियर TTE के पद पर भी कार्यरत हैं। दिव्या काकरण के भाई दीपक का कहना है कि 2 माह दिव्या व सचिन बबीता गुप्ता के मकान में रहे। उनकी बहन ने 2 कमरों के AC व फ्रिज को ठीक कराया। मकान मालिक पर उनका 15,000 रुपये एडवांस था। न तो वह एडवांस को सेटलमेंट कर रही थी बल्कि उल्टे उनकी बहन पर 41,000 रुपये चढ़ा दिए। उनकी बहन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। वह भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इस बारे में फर्स्ट बाइट TV को भाजपा नेत्री बबीता गुप्ता ने यह जानकारी दी। मेरा नाम बबीता गुप्ता है और मैं शास्त्रीनगर मेरठ में रहती हूँ। मेरा एक फ्लैट है सेक्टर 7 बसेरा अपार्टमेंट में, जो कि मैंने रेंट पर दिया था सचिन प्रताप सिंह और दिव्या काकरण को 10 अप्रैल 2023 को, जो कि मैंने 11 महीने का एग्रीमेंट बना के दिया था प्रॉपर्टी डीलर हर्षित के द्वारा दिया गया था। ये वो बीच में थे और उनके द्वारा एग्रीमेंट हम लोगों ने बना के सबके साइन वगैरह सब हैं, और वो दिया था कि अगर आप बिना जानकारी के समय से पहले कहीं खाली करते हो बिना नोटिस के 1 महीने पहले, तो आपका जो 1 महीने का रेंट आया हुआ है एक्स्ट्रा जो चल रहा है हमारे पास, वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर हम आपको 1 महीने का टाइम दिए बिना खाली कराते हैं तो हम आपको 15,000 रुपये वापस देंगे। हमने इनको 10 जुलाई को खाली करने का टाइम दिया हुआ था, लेकिन ये लोग 15 जून को खाली करके हमारी जानकारी के बिना चले गए, हर्षित को चाबी दे गए जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, जबकि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि चाबी किसी भी हालत में मकान मालिक के अलावा किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी को दे जाऊं चाबी, तो हमने उनसे कहा कि पहली बात तो आपको चाबी लेने का कोई हक नहीं था, आपको लेनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर आप अब किसी को चाबी दे के जाते हो और कोई नुकसान हो जाता है फ्लैट में तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हम वापस आ जाएंगे तो आप सचिन को लेके आना और आप दोनों के सामने हम खोलेंगे मकान और तब उसमें देखा जाएगा कि सब कुछ यथास्थिति है या नहीं है। लेकिन सचिन आए नहीं। 19 तारीख को हम लोग आए थे, हमने सुबह ही फोन कर दिया था हर्षित को, लेकिन वो रात को आए और उन्होंने कहा कि सचिन तो आया नहीं है, चलिए मैं ही देख लेता हूँ। हमने उनके सामने ही मकान खोला तो जो उन्होंने इधर उधर सामान कर रखा था, हमने उन्हें कहा था, टाइम दिया था 1 महीने का कि जो आपने AC जहाँ से निकलवाया है वहीं लगवा दीजिएगा, या जो भी AC लगाने की वजह से दीवार टूटी है या जो भी कुछ जैसा भी टूट फूट हुई है वो आप यथास्थिति कर देना, 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। लेकिन वो तो क्योंकि इतनी जल्दी छोड़ के चले गए तो उन्होंने, उनकी कोई मंशा नहीं थी कि कोई कुछ भी सही कराने की। वो पूरे घर में अंडे के छिलके और इतनी गंदगी छोड़ के गए हैं कि उसमें 3,000 रुपये तो मेरे सफाई में लग गए। उसके बाद में वो ना तो बिजली का 15 दिन का बिल दे के गए, गेल गैस का जब से वो आए थे तब से जब तक रहे एक भी बार उन्होंने बिल जमा नहीं किया। सोसाइटी का 3 महीने का मेंटेनेंस बैठता है, उसमें से 2 महीने का पेंडिंग है, सिर्फ 1 महीने का दे के गए हैं, और जो चीज़ें इधर उधर हुई हैं वो सब मिला के मेरा लगभग 40,000 रुपये का इन्होंने नुकसान किया है, और जो सामान ये बता रहे हैं उसके अलावा है ये 40,000 रुपये। ये सब बातें ही हो रही हैं। आज तक जो सामान ये बताया गया है कि मिल गया है वो भी मेरे पास कुछ नहीं आया,
और जो भी बात मेरी हुई है सिर्फ हर्षित से हुई है, ये लोग कोई बात नहीं करते, ना मुझे पता कि वो अपनी मर्जी से कह रहा है या ये लोग कहलवा रहे हैं। तो मैंने फिर यही किया कि मैंने फिर कल बैठ के पूरी तहरीर टाइप कराई और आज मैं थाना प्रभारी जी से मिली और उन्होंने मेरे सामने ही चौकी पे फोन भी कर दिया था और उस पे लिख के मेरी तहरीर पे उन्होंने आदेश भी कर दिए हैं चौकी पे कि इनको बुला लो तीनों को और हमें भी जब वो आ जाएंगे तो बुला लिया जाएगा, तो सारी बातें सामने हो जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।